गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक कोरोजन. संक्षारण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो रिवाइज्ड लेटेस्ट सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट कोड 1003 का जो सबसे फिफ्थ यूनिट है उसमें कोरोजन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सभी बहुचयनात्मक प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी हैं, तो आज इनकी चर्चा हम करेंगे. आइए शुरू करते हैं. द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोरोजन एंड ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. संक्षारण की घटना का संबंध विज्ञान की किस शाखा से है? देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बलगति की, विद्युत रसायन, ऊष्मागति की और कार्बनिक रसायन. बलगतिकी का संबंध किसी भी अभिक्रिया की गतिशीलता और उसके वेग के निर्धारण से है, अतः संक्षारण की घटना से इसका संबंध सीधे तौर पर नहीं है. विद्युत रसायन, जैसा हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम विद्युतीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध और अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं. अतः विद्युत रसायन से ही संक्षारण की घटना का संबंध है, क्योंकि हमने संक्षारण की क्रियाविधियों में देखा है कि मुख्यतः जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है उसके अंदर हम देखते हैं एनोड कैथोड अभिक्रियाएं, विद्युत अपघट्य और धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश का प्रवाह, ये सारी घटनाएँ घटती हैं जिसमें विद्युत और रसायन का आपसी संबंध होता है. अतः संक्षारण की घटना एक विद्युत रासायनिक घटना है. ऊष्मागतिकी का संबंध ऊष्मा के प्रवाह से, अतः ये भी संबंधित नहीं है सीधे तौर पर. कार्बनिक रसायन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कार्बनिक यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं, अतः संक्षारण की घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका संबंध कार्बनिक रसायन से भी प्रत्यक्षता नहीं बैठता है. इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो बी है, दैट इज विद्युत रसायन. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. लोहे पर जंग में धातु की ऑक्सीजन अवस्था क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रस्ट? जो जंग होती है उसका सूत्र Fe2O3 होता है, अतः ये फेरिक ऑक्साइड के रूप में होता है मुख्य रूप से, अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 3+ होती है. इसलिए जो यहाँ ऑप्शन है बी या ब, वो बी इज करेक्ट ऑप्शन है यहाँ, है ना. तो अपने को राइट ऑप्शन ब लगाना है. विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है. इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड पर, ब कैथोड पर, स दोनों पर, द कहीं नहीं. ए एट एनोड, बी एट कैथोड, सी एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड डी नन, नन ऑफ द अबव. तो हम देखेंगे यहाँ मुख्य रूप से ऑक्सीकरण की घटना होती है, वो जिस इलेक्ट्रोड पे घटती है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, नोड. अतः एनोड इज द करेक्ट आंसर. यहाँ एनोड सही उत्तर होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ निश्चित रूप से सही उत्तर है. प्रश्न संख्या चार, निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट कोरोड? ए प्लेटिनम, बी सिल्वर, सी आयरन, डी कॉपर. प्लेटिनम, चांदी, लोहा और तांबा.
हमको मालूम है कि चांदी भी काली पड़ती है, जिसका संक्षारण से संबंध है घटना से, यानी उसका संक्षारण लोहे पर जंग लगता ही है जो इसका सबसे मुख्य उदाहरण है। तांबे पर भी हरे कलर के धब्बे लगते हैं जो अनवांटेड प्रोडक्ट बनने से होते हैं, जो कोरोजन से ही बनते हैं, है ना, तो वो भी संक्षारण से ही खराब होता है। प्लेटिनम क्या है, नोबल मेटल है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। ये काफ़ी कम क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण नहीं हो पाता, अतः प्लेटिनम यहाँ करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, और यहाँ सही उत्तर है। विद्युत अपनी सेल में जलीय NaCl का अपघटन करवाने पर कैथोड पर मुक्त होता है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl एट कैथोड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिबरेटेड, AO2, NaCl, क्लोरीन, डी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, ब सोडियम है, स क्लोरीन है और द हाइड्रोजन है। हमको पता है कि एक्वस NaCl, जलीय NaCl के अंदर जल भी एक विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, उसके आयन H+ और OH- होते हैं। चूँकि कैथोड पर अपचयन होता है, और अपचयन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, अतः यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन सोडियम की तुलना में हाइड्रोजन में निर्मुक्त होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः यहाँ हाइड्रोजन है वो करेक्ट आंसर होगा। सो द इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द यहाँ पर सही उत्तर है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को कहा जाता है। टीनीकरण, प्रतिकरण, विलयनीकरण और गैल्वेनीकरण। सो कोटिंग जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड टीनाइजेशन, लेयराइजेशन, सोल्यूनाइजेशन एंड गैल्वेनाइजेशन। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, हमको पता है कि लोहे पर जस्ते की चर चढ़ाते हैं उसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द एक सही विकल्प है। नम संक्षारण हेतु आवश्यक है। फॉर वेट कोरोजन रिक्वायर्ड इज ए वायुमंडलीय गैसें, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ब जलवाष्प, मॉइस्चर, स एनोड कैथोड, दैट इज एनोड इन कैथोड एंड द उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें मालूम है कि जो नम संक्षारण होता है वो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें धातु की सतह पर एनोड कैथोड आदि क्षेत्र एक दूसरे के सापेक्ष बनने चाहिए, साथ में वायुमंडलीय गैसें हैं वो भी जलवाष्प में घुल करके विद्युत अपघट्यका इनके बीच काम करती हैं, जिससे आयन प्रवाह होता है और धारा का प्रवाह भी होता है, और इस तरह से हम देखते हैं एक मिनिएचर सेल सेटअप होता है और इससे अनवांटेड प्रोडक्ट बनते हैं। यानी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में हमें वायुमंडलीय गैसेस भी चाहिए, मॉइस्चर या जलवाष्प भी चाहिए, एनोड कैथोड एरिया भी चाहिए, और मतलब सारी गैसेस वगैरह रिक्वायर्ड हैं। इसलिए मतलब यहाँ ये सब मिल के करेंगे, हम कहेंगे कि ऑल आर रिक्वायर्ड, है ना। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सही उत्तर है। यहाँ अंतिम जो ऑप्शन है वो सही है, है ना, सभी की आवश्यकता हमको रहेगी, वायुमंडलीय गैसेस, जलवाष्प, एनोड एंड कैथोड सभी। क्वेश्चन नंबर सभी की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन क्रियाविधि द्वारा संक्षारण किस माध्यम से आसानी से होगा, क्षारीय, अम्लीय, दोनों या कोई नहीं। विच इन विच मीडियम कोरोजन कैन इजीली बी टेकन प्लेस बाय हाइड्रोजन मैकेनिज्म, अक्षारीय, व अम्लीय, स दोनों, द कोई नहीं। ए इज बेसिक मीडियम, बी इज एसिडिक मीडियम, सी इज बोथ द मीडियम्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो हमको मालूम है कि अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और ये H+ आयन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन क्रियाविधि द्वारा संक्षारण के लिए अम्लीय माध्यम उपयुक्त रहेगा, दैट्स वाई इसमें जो हम कहेंगे सही उत्तर है वो हमारा विकल्प ब है। सो आठवें का ऑप्शन ब। अम्लीय सही है। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी के काला होने का कारण क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड।
चांदी क्यों काली पड़ जाती है? तो वायुमंडलीय गैसेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि चांदी जब काली पड़ती है तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाती है AgS, जिसके कारण काला हो जाता है वो, है ना, टर्निश हो जाता है ये। तो हम कहेंगे कि चांदी के लिए H2S रिस्पॉन्सिबल है, सो दी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन क्रियाशील है लेकिन वो ये कंपाउंड नहीं बनाती, हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करती है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, और हाइड्रोजन सल्फाइड यदि है तो वो सिल्वर से H2S की रिएक्शन होकर क्या बनेगा, AgS, जो एक ब्लैक कलर कंपाउंड है, इसके कारण, है ना, सिल्वर गेट टर्निश, चांदी समय के साथ काली पड़ जाती है। तो ये संक्षारण है और उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, वायुमंडल में उपस्थित H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें रिस्पॉन्सिबल है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सही उत्तर है H2S। क्वेश्चन नंबर 10, तांबे पर हरे धब्बों का कारण मुख्यतः है, विच वन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन स्पॉट्स ऑन कॉपर मेटल। सो ए इज मॉइस्चर, बी इज नाइट्रोजन, सी इज H2S एंड डी इज CO2। अ जलवाष्प, ब नाइट्रोजन, स हाइड्रोजन सल्फाइड, द कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें मालूम है कि जलवाष्प सीधे सीधे तांबे पर कोई अभिक्रिया नहीं करती, नाइट्रोजन एक अक्रियाशील इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड यदि रिएक्ट करती है तो वो बनाएगी CuS, क्यूप्रिक सल्फाइड, और क्यूप्रिक सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ये मॉइस्चर में डिजॉल्व होकर के मेटल सरफेस कॉपर पे रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट बनता है CuCO3, और क्यूप्रिक कार्बोनेट एक हरे नीले कलर का यौगिक है, अतः ग्रीन स्पॉट्स या हरे धब्बे तांबे पर बन जाते हैं और उसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, है ना, अर्थात यहाँ सही विकल्प क्या है उत्तर हमारा, द। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ बनते हैं और बहुविकल्प वाले जो आंसर होंगे वो संक्षारण से संबंधित या विद्युत रसायन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नोत्तर यहाँ है। इसको आप बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस के रूप में ले सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।